Hello students. Hello. Am I audible? Voice आ रही है? Hello. वही सारी है. आ जाइए बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए. स्टार्ट करते हैं. यस, कनेक्ट हो जाइए. गुड इवनिंग एवरीवन. हाउ आर यू बच्चों? दक्षा, यस, वॉइस इज क्लियर. अपेक्षा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चों. हेलो. सो लेट्स स्टार्ट. वेलकम यू ऑल एट लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस, क्रैक ऑल 11 साइंस एग्जाम एंड 12 साइंस बोर्ड एग्जाम विद अनअकैडमी. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. आज ये लाइव आइए, जल्दी 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 लाइव आइए, जल्दी लाइव आइए. तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कल से हमारी मॉर्निंग की क्लास नहीं होगी, ओनली इवनिंग की क्लास होगी 5:30 की. उसके बाद नाइट की क्लास होगी 9 to 10 PM पे, और नाइट वाली क्लास होगी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे. तो वो वाली क्लास आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो लेट मी इंट्रोड्यूस. जल्दी से आइए बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए. Yes, my name is Chaitanya Khandel बच्चों. I am MCA and PGT in Computer Science and Informatics practices as well. I have 17 years of teaching experience and I have taught many students from class 11th, 12th, BCA, PGDCA, MSc, IT, etc. तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं आज स्ट्रिंग. आज वाली क्लास में जो है वो स्ट्रिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? स्ट्रिंग हम पढ़ रहे हैं बच्चों. स्ट्रिंग के फंक्शंस चल रहे थे जो हमने मॉर्निंग की क्लास में स्टार्ट किए थे, तो वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों. तो बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आपको बच्चों आपके हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है. तो क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद अनअकैडमी. क्या क्या फीचर्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाती है, देख लेते हैं. क्या क्या फीचर्स हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाती है. फर्स्ट इज डेली लाइव क्लासेस. डेली लाइव क्लासेस एक बहुत ही शानदार फीचर है बच्चों. आ जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए. लाइव क्लास का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, पोल्स का आंसर कर सकते हैं. और ये जो इंटरेक्शन होगा आपका एजुकेटर के साथ या टीचर के साथ, वो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है. रियल टाइम का मतलब रनिंग टाइम में, रनिंग टाइम मतलब जो आपकी क्लास जो है चल रही है उसी समय आप इंटरेक्शन कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है उसमें क्या होता है बच्चों कि आपका जो पूरा कोर्स है उसको ब्रेक डाउन कर लिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसकी जो सभी का जो टाइम है वो फिक्स कर दिया जाता है, डे फिक्स कर दिया जाता है. हेलो आदित्य, गुड इवनिंग. तो आपका जो कोर्स है वो पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है, शेड्यूलिंग हो जाती है. और जैसे ही आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं आपको फर्स्ट डे से आपको ये मालूम होता है कि आपका कौन सा सेशन कब आना है, कौन से दिन आना है और कौन से टाइम पर आना है, ठीक है? नेक्स्ट फीचर इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीशन होता जाता है, जैसे जैसे जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं उनके फिर बाद में क्या होते हैं, कंप्लीशन के बाद में टेस्ट होते हैं. तो टेस्ट आपके लाइव होते हैं, क्विजेस भी लाइव होती है, जिससे क्या होता है आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव फीचर है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का फ़ायदा ये होता है कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका कोर्स है, जैसे सीबीएसई साइंस है क्लास ट्वेल्थ, तो क्लास ट्वेल्थ में साइंस में आपके पास फिजिक्स, मैथ, बायो जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, तो इन सभी सब्जेक्ट्स का क्या होगा, सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल रहेंगे बच्चों। इनके रिवीजन टूर और इनके जो टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, ये सब आपको मिलेंगे सिंगल सब्सक्रिप्शन पे, तो ये भी बहुत ही शानदार फीचर है। आइए जल्दी से, आइए बच्चों जल्दी से जुड़ते जाइए, जल्दी से जुड़ते जाइए। तो चलते हैं आगे और क्या क्या हमें मिलता है। देखिए यहाँ आपके सामने है कि लाइव क्लासेस जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल है। जैसे अभी आप मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं, तो फ्री में अवेलेबल होने का क्या ये फ़ायदा होता है कि आप एजुकेटर से इंटरेक्ट होकर आप एजुकेटर की जो क्लासेस लेके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मुझे ये इनकी क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे इनसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ फ्री में लाइव क्लासेस अवेलेबल है। साथ ही साथ क्या है कि आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी, अगर बाय चांस आपकी जो लाइव क्लास है वो मिस हो जाती है तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। तो प्लस को एक्सपीरियंस करने का मतलब एक्सपीरियंस प्लस है ना, प्लस जो मैं कोर्स बता रही हूँ बच्चों उसको आप फ्री में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, तो आप जो प्लस वाला एक्सपीरियंस है वो फ्री में लेके आप देख सकते हैं कि हाँ जब हम प्लस में जाएंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। बल्कि ऐसा ही नहीं, आपकी जो क्लासेस है उनकी जो अप्रोच है वो और भी ज़्यादा डिफरेंट, और भी ज़्यादा मतलब एनहेंस हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉप एजुकेटर के साथ प्रिपेयर करने का आपको मौका मिलता है। आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी है बेटा वो बहुत ही इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू करवाई जाती है, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो भी बेस्ट ही आता है। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ हमें ये देखने को मिलती है। कम्प्रीहेंसिव सिलेबस जो है उसमें आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है बच्चों उन सभी सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो बहुत ही अच्छे से डीपली आपको अच्छे से समझाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे से आपके जो है डाउट्स वो क्लियर किए जाते हैं और जो पूरा सिलेबस है वो बेटा कंप्लीट करवाया जाता है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, तो ये भी एक बहुत ही शानदार फीचर है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब चीज़ों को गेट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आपको अपने क्लास वाले सेक्शन में जाना है, अपने कोर्स जो आपको कोर्स चूज करना है उस कोर्स के सेक्शन में जाना है आपको। फिर उसमें आपको प्लस वाले सेक्शन में जाना है और प्लस में जाके आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर टैप करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर टैप करेंगे बच्चों आपके सामने सब्सक्रिप्शन की विंडो आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन आपको कितने टाइम के लिए चाहिए ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और उस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या क्या लगेंगे ये आपको यहाँ आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो 1 मंथ 3 मंथ दे रखा है बच्चों इसकी तरफ मैं बिल्कुल भी आपको नहीं लेके जाने वाली। मैं आपको ये कहूँगी कि या तो आप 6 मंथ कीजिए बच्चों या फिर आप 12 मंथ का लीजिए। 6 मंथ का अगर आप लेते हैं, हेलो ख्याति गुड इवनिंग, 6 मंथ का लेते हैं तो बच्चों इसके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस क्या है, 10,000। ठीक है, और 12 मंथ का लेते हैं तो इसके क्या चार्जेस है, 12,500 ओनली। तो जो डिफरेंस है वो ओनली 2,500 का है। तो मैं यही कहूँगी कि आप 12 मंथ का ही लें, तो पूरे एक साल तक आप अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और जो भी लाइव क्लासेस और जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस या जो भी नोट्स वगैरह अवेलेबल है आपकी अनअकैडमी पे वो आपके लिए पूरे 12 महीने तक के लिए अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं इसमें बता देती हूँ कि ये जो 12,500 है ये भी आपको नहीं देना, ये भी आपको पे नहीं करना। आपको पे करना है ओनली कितना, आपको पे करना है 11,250 बच्चों, 11,250। क्यों? क्योंकि आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है, 10% जो है वो आपको बच्चों डिस्काउंट मिल रहा है। 10% डिस्काउंट आपको कैसे मिल रहा है? क्योंकि आप यूज करेंगे मेरा प्रोमो कोड दैट इज CK001। CK001 को आपको इस रेफरल बॉक्स में टाइप करना है एंड प्रोसीड टू पे पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप CK001 इस प्रोमो कोड को भूलिएगा नहीं, टाइप करते हैं, टाइप करते ही आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है उस पर डायरेक्ट आपको 10% ऑफ मेरी तरफ से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर आपके सामने। टेलीग्राम ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके जो URL वाला जो सेक्शन आता है ना, इसमें आपको ये लिंक टाइप करना है। ठीक है, URL वाले सेक्शन में आपको ये लिंक CBSE साइंस वाला करना है, क्वेस्ट 12 CBSE साइंस। ठीक है, जैसे आप ये लिंक टाइप करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने से बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि आपकी जो अपकमिंग सेशंस हैं, अपकमिंग जो क्लासेस हैं, उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मेरे कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लास है, कौन से टाइम पे है, कितने आवर्स की है, ये आपको याद नहीं रखना पड़ता। ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू आपको PDF की फॉर्मेट में आपके सभी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, PDF की फॉर्मेट में जो टीचर ने आपको पढ़ाया है बच्चों, वो सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि नोट्स भी वही होता है जो टीचर ने पढ़ाया होता है क्लास में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कोड इज 083 एंड रिविजन टूर चल रहा है क्लास 11th का। तो आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शन, ऐसे मेथड्स जो कि बिल्ट इन है। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पाइथन में ऑलरेडी वो बिल्ट किए जा चुके हैं, ऑलरेडी वो डिफाइन किए जा चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, या ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स। ये मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि आप मेथड कहिए चाहे आप कहिए फंक्शन, बात एक ही रहती है। एंड ये फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? फॉलोड बाय पैरेंथेसिस होते हैं। कोई भी फंक्शन आपको बिना पैरेंथेसिस के नहीं मिलेगा, ये एक चीज। तो ये जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं। इनका नाम जो है वो पहले से डिफाइन है, सारे लोअर केस में आपको मिलेंगे। ये और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सारे लोअर केस में मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या है बच्चों कि आपके जो आपके जो फंक्शन होते हैं उनका जो नाम और उनका काम, यानी वो क्या काम करेंगे, वो किस लिए यूज में लिए जाते हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी डिफाइन हो जाती हैं। और वो क्या काम करके क्या आउटपुट देंगे, वो आउटपुट कैसे डिसाइड होता है? वो आउटपुट डिसाइड होता है कि आप उस फंक्शन को क्या वैल्यू दे रहे हैं, इसके बेसिस पे वो आउटपुट डिसाइड होता है। यानी उसका काम तो पहले से ही डिसाइड है कि ये कैलकुलेशन करके आपको देगा, लेकिन वो कैलकुलेशन डिपेंड करेगी, उसका आउटपुट डिपेंड करेगा कि आपने उसको इनपुट में क्या दिया है। ठीक है, तो इनपुट में आपने जो भी वैल्यू दी है बेटा, उसके बेसिस पे वो आउटपुट उसका कैलकुलेट करके आपके सामने शो करता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसी सीक्वेंस में, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए। 12 मेथड हमने मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ लिए थे, बाकी आगे वाले मेथड हम आज अभी इस क्लास में कवर करने वाले हैं बच्चों। कल जो हमारी क्लास होगी, जो कि होगी 5:30 पे, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, 9:30 की क्लास मैंने ऑफ कर दी है। ओनली सिंगल क्लास होगी यूट्यूब पे, जो कि होगी 5:30 पे, समझ रहे हो आप? तो आपको 5:30 PM वाली क्लास अटेंड करनी है और साथ ही साथ 9 PM वाली स्पेशल क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है बच्चों, जो कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होती है। ठीक है, उस जो वो वाली जो क्लास है उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो वाली क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए। उसमें अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसकी डिफरेंट होती है, उसकी डिफरेंट होती है। तो आप जो है, आपको दोनों ही क्लासेस मिस नहीं करनी है, आपको वो वाली क्लास जो है वो अटेंड करनी है 9 PM वाली पे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेथड्स। मेथड्स में आते हैं बच्चों, तो फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड है नंबर 13, फर्स्ट नहीं है ये 13 है क्योंकि 12 हम पढ़ चुके, इस सेशन का फर्स्ट मेथड है। इस सेशन का फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है, लोअर 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 मतलब जो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ना, एज द नेम सजेस्ट, क्या कि ये क्या करता है, पढ़िए थ्योरी, कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर्स इन स्ट्रिंग टू लोअर केस, यानी आपने जो स्ट्रिंग में जो अपर केस लेटर्स दिए हैं बच्चों, उन सभी अपर केस लेटर्स को ये क्या कर देता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर। आपके सामने स्ट्रिंग है str1, ठीक है str1। अब यहाँ देखना एक चीज आप नोट करना है, ये जो s कैपिटल है ना, ये आपको कैपिटल नहीं लिखना है, आपको स्मॉल लिखना है। वेरिएबल की जो नेम है, हाँ कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस वही चीज है कि ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने कैपिटलाइज किया है इसको s को, तो आपको पूरे प्रोग्राम में उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपके, क्योंकि जो अपनी पाइथन है ना, ये मैं फिर आपको बार बार बता देती हूँ कि अपनी जो पाइथन लैंग्वेज है दैट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये केस को बहुत ही अच्छे से पकड़ती है। str में s कैपिटल दिख गया तो जहां भी str1 लिखोगे वहां पे हर str1 में s को आपको कैपिटल ही करना पड़ेगा, ये आपको अपने माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रीफर यही करती हूँ कि आप वेरिएबल का जो नेम डिक्लेयर करो, आइडेंटिफायर जो यूज करो वो लोअर केस में ही कर लिया करो, तो कोई झंझट नहीं रहता, आप फिर पूरे प्रोग्राम में उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना दिया str1 और उसमें स्टोर कर दिया हेलो। हेलो में आप देख रहे हैं कि सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल केस, मतलब कैपिटल में है, यानी अपर केस में है। अब अपर केस में ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये कन्वर्ट कर देगा उसको लोअर केस में। तो जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो str.lower और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ये मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ आप जैसे ही ये लेते हैं, टाइप करते हैं और जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करते हैं, ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है ये एंटर की का सिंबल होता है बच्चों। इसका मतलब है कि इसके बाद एंटर की को प्रेस किया गया है। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, दिस इज आवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ जाता है हेलो, और हेलो कैसे आ जाएगा, सारा स्मॉल केस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट आ चुका है, यानी ये क्या कर रहा है, हर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कैपिटल से लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, रिमूव ऑल लीडिंग वाइट स्पेसेस इन स्ट्रिंग। एल स्ट्रिंग रिमूव ऑल लीडिंग वाइट स्पेसेस। ठीक है, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है उसके जितने भी वाइट स्पेसेस हैं, लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जितने भी वाइट स्पेसेस का मतलब जो भी आप टैब लगाते हो, या आपने स्पेस दिया है स्पेस बार से, या आपने टैब दी है। ठीक है, तो इसको, टैब को भी हम वाइट स्पेस में काउंट करते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। यस, तो आपकी जो वाइट स्पेसेस हैं लेफ्ट साइड वाले, क्योंकि एल स्ट्रिप लिखा है ना मैंने, तो एल यानी लेफ्ट साइड वाले जो वाइट स्पेसेस हैं इनको ये रिमूव कर देता है और फिर आपको स्ट्रिंग दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई एस, और मैंने एस में लिख दिया डबल कोट, फिर स्पेस देके मैंने 2-3 स्पेस लगा दिए, फिर मैंने लिख दिया, एक मिनट, यहाँ मैंने डबल कोट में बच्चों एक स्पेस दे दिया, मतलब एक नहीं दिया है, स्पेस मैंने खूब सारे दिए हैं, खूब सारे दे दिए हैं, 2-3-4 मैंने स्पेस इसमें लगा दिए हैं, और फिर मैंने लिख दिया है ये टी, और फिर मैंने लिख दिया है एच, और फिर ई, और फिर मैंने डबल कोट को क्लोज कर दिया। तो अब ये जो स्पेसेस है ना जो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में आ रहे थे, इनको ये टर्मिनेट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, इनको ये रिमूव कर देगा, और आपका जो आंसर आएगा, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे, हम एस, हमारी स्ट्रिंग का नाम है, हम लिखेंगे एस डॉट एल एस ट्रिप, ठीक है, एल एस ट्रिप लिख दिया और पैरेंथेसिस हमने लगा दिया और एंटर की को हमने प्रेस कर दिया, तो आउटपुट आपके सामने क्या आ जाता है, आएगा तो वही जो स्ट्रिंग में लिखा है वही आएगा, बट व्हाइट स्पेसेस को इसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बाकी जो भी आपने लिखा है, जिस केस में लिखा है, ये उसी केस में आपको आउटपुट देगा। क्लियर है। इसी तरह से आपका आर एस ट्रिप क्या करेगा, आर एस ट्रिप वही एल स्ट्रिप से जस्ट अपोजिट करेगा, यानी ये राइट साइड वाले व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा। ऑल ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस ऑफ स्ट्रिंग, तो जो भी लास्ट वाले जो व्हाइट स्पेसेस है ये उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, जैसे हम ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई एस इज इक्वल टू, फिर मैंने डबल कोट में लिख दिया टी एच ई, फिर मैंने कुछ स्पेस टाइप करके और थोड़ा दूर मैंने इसको डबल कोट लगा दिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगी तो एस और आर एस एस डॉट आर एस ट्रिप, ठीक है, ये मैंने इस पे अप्लाई किया और फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाया और फिर मैंने एंटर की को प्रेस किया, तो आउटपुट अपना टी एच ई विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस। क्लियर है। तो एल स्ट्रिप आपका लेफ्ट साइड वाला स्पेस रिमूव करता है और आर स्ट्रिप जो है वो राइट साइड वाला स्पेस रिमूव करता है। वाइट स्पेसेस हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेसेस, रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस। गुड इवनिंग आयुषी, काफी टाइम बाद आप दिख रही हो आयुषी, मुझे कहाँ चले गए थे आप। तो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। आयुषी, हम बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मॉर्निंग के सेशन में 12 स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ लिए थे। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए 16 नंबर पे आते हैं, मिन एसटीआर। मिन का मतलब है मिनिमम, जैसा नेम से ही, नेम ही बहुत कुछ बता देता है, कहते हैं ना नाम ही काफी है। तो आपके फंक्शन का नाम ही काफी है, उसके नाम को समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन खुद ही आपको आ जाएगी, रटने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका नेम समझ लोगे ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी डेफिनेशन को आप खुद लिख सकते हो। क्लियर है। आयुषी कह रही है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती रहती हूँ। अच्छा, ठीक है आयुषी। ऑनलाइन क्लास के नाम पे अब मुझे एक चीज फिर याद आई, मैं फिर बता रही हूँ एक चीज आपको, दोबारा बता रही हूँ कि अपनी मॉर्निंग वाली जो ऑनलाइन क्लास है, मतलब यूट्यूब वाली जो क्लास है, वो अपनी हट गई है। मॉर्निंग वाला सेशन मैंने हटा दिया है बच्चों। अब मैं इवनिंग में सिंगल सेशन लूंगी यूट्यूब का, और सिंगल सेशन मैं लूंगी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे 9 PM पे। ठीक है, तो 5:30 PM 9 PM ये दो क्लासेस आपको याद रखनी है और ये दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, आपको श्योरली अटेंड करनी। मैं आज देखूंगी रात को 9 बजे कौन कौन बच्चे आते हैं, नहीं आए तो फिर देखना, आप सबको अटेंड करना है उसमें। ठीक है, क्योंकि आप उसको अटेंड करके देखिए। लास्ट मैंने उसमें क्या किया है कि क्लास के बाद, जैसे अपनी क्लास हो गई 40 मिनट्स की या 45 मिनट की क्लास हो गई, उसके बाद में हम एक सेशन रखते हैं अपनी क्विज के लिए। वो रिजर्व कर दिया है मैंने, 15-20 मिनट लास्ट के मैंने क्विज के लिए रिजर्व कर दिया है। उसमें हम क्विज ऑर्गेनाइज करवाते हैं और वही चीज हम लेते हैं जो टॉपिक अभी चल रहा है, यानी जो मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे मैं अभी स्ट्रिंग के मेथड पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं स्ट्रिंग मेथड से रिलेटेड क्विज करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो उसमें जो है वो बहुत ही, क्योंकि जैसे ही आपने पढ़ा उसका आपका, क्योंकि आपने पढ़ा तो अभी आपने ताजा पढ़ा है, वो ताजा आपके माइंड में है और उसका ही आपने टेस्ट दे दिया, तो वो कितना समझ में आया इसका भी आपको पता चलेगा, क्या क्या नहीं समझ में आया ये भी आपको पता चलेगा। कुछ डाउट है तो वो भी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि खूब सारे बच्चे होते हैं तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है। मैं विजिबल नहीं हूँ क्या बच्चों? एम आई नॉट विजिबल? मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूं क्या? एक बार बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? क्या मैं आपको शो नहीं हो रही हूं? मैं शो हो रही हूं, बिल्कुल हो रही हूं, मेरी वॉइस आ रही है। यू आर विजिबल, तो ख्याति आपके नेटवर्क में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं विजिबल हूं सब बच्चों के लिए। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो बेटा ये ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रही है, मेरी तरफ से कोई, मेरे एंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके एंड में कोई दिक्कत हो सकती है। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरे सब बाकी बच्चों को मैं दिखाई भी दे रही हूँ, सुनाई भी दे रही हूँ, है ना। अब आपको तो मैं मिस्टर इंडिया हो गई हूँ, आपको तो मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ, है ना। तो मैं अभी बाकी सब बच्चों के लिए विजिबल हूँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। यस, आदित्य के लिए भी विजिबल हूँ मैं, आयुषी के लिए भी हूँ, सबके लिए हूँ। तो एक बार आप अपनी साइड का एंड चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं जल्दी से। 16 नंबर जो फंक्शन है अपना, मेथड है, दैट इज मिन एसटीआर। बच्चों क्या है वो? मिन एसटीआर, यानी मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। अभी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? क्योंकि स्ट्रिंग है और उसमें हम अल्फाबेट्स डालते हैं, नंबर तो हम डाल नहीं रहे कि हम चेक कर लें कि ये छोटा है कि बड़ा है, तो फिर कैसे उसको पता चलेगा कि वो मिनिमम है। तो बच्चों मैंने एक चीज आपको कल परसों वाली क्लास में आपको बताई थी, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो ये होता है A to Z, होता है ना बच्चों, और एक ये भी होता है A to Z। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ जो है A to Z की मैंने आपको बताई थी कि इनकी नंबरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ASCII वैल्यू। मैंने ये आपको बताया था कि इसकी जो क्या होती है, ASCII वैल्यू होती है। हर नंबर की ASCII वैल्यू होती है। ASCII मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा। तो ये हम शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? ASCII बोलते हैं। ASCII क्या करता है? ASCII यानी ये कोड है, एक कोडिंग सिस्टम है ये बच्चों। तो ये इसमें क्या होता है, हर एक कैरेक्टर का कोड यानी उसका नंबर फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, कैपिटल A का नंबर होता है 65 और स्मॉल A का नंबर होता है 97। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। तो स्मॉल B का कितना हो जाएगा? 98। ठीक है, ऐसे स्मॉल C का कितना हो जाएगा? 99। स्मॉल D का हो जाएगा 100, और इस तरह से ये चलता ही जाएगा। और ऐसे ही कैपिटल B की तरफ अगर हम देखें तो कैपिटल B का कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, क्योंकि A का 65 है। यस, आई रीस्टार्टेड यूट्यूब एंड ऑल इज फाइन नाउ। ओके ओके, दैट्स ऑल। तो फिर अब ये क्या है कि ये 66 आ गया। अब C जो है कैपिटल है, कैपिटल C का क्या हो जाएगा बच्चों? 67 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और जो कैपिटल Z है उसका होता है 96। कैपिटल Z का क्या होता है? 96। दैट्स वाई स्मॉल A का होता है 97। ठीक है, स्मॉल A का 97 होता है, क्योंकि कैपिटल Z के बाद ही जस्ट स्मॉल A मतलब स्मॉल ABCD स्टार्ट हो जाती है। समझ गए? तो इस ASCII कोड के ऊपर बेस्ड नंबरिंग जो है उस पे हम उसको हम चेक करते हैं, और ये फंक्शन क्या करता है, उसको ये शो करता है कि जो मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम ASCII वैल्यू किस करेक्टर की है, उस करेक्टर को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम अल्फाबेटिकल करेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एसटीआर, यानी आपने मिन में जो एसटीआर दिया है ना, यानी जो स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग का मिनिमम अल्फाबेटिकल करेक्टर कौन सा है। ठीक है, जैसे सपोज आपने दे दिया पाइथन दे दिया, मैं यहां लिख देती हूँ ना, आपने एक स्ट्रिंग दे दी एस इज इक्वल टू, आपने दे दिया पाइथन, और पाइथन आपने दे दिया कैपिटल में। ठीक है, अब ये जो पाइथन आपने लिखा है, इसमें मुझे बताना कि सबसे छोटा लेटर कौन सा है। सबसे छोटा बता पाएंगे क्या? मिनिमम कि सबसे पहले कौन सा आता है? P आता है कि Y आता है कि T आता है कि H आता है कि O आता है, N आता है? मेरे हिसाब से तो H आना चाहिए। आप अब चेक करके बताइए कौन सा करेक्टर पहले आएगा। क्या H से पहले कोई आता है? Y आता है या P आता है या T आता है या O आता है या N आता है? H जो है वो मिनिमम है। H की जो ASCII वैल्यू है वो मिनिमम है। ठीक है, H की जो ASCII वैल्यू है वो क्या है बच्चों? मिनिमम है। मिनिमम है तो ये क्या कर देगा? रिटर्न्स द मिनिमम अल्फाबेटिकल करेक्टर, यानी इसका जो आउटपुट आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस यस, ओके तो ये आपको समझ में आ गया कि मेन फंक्शन क्या करता है। एसटीआर जो है स्ट्रिंग की ASCII वैल्यू लेता है और फिर उसकी मिनिमम वैल्यू वाले कैरेक्टर को रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरह हम 17 को छोड़ दो, एक बार 18 पे आ जाओ। 18 क्या है? मैक्स एसटीआर। ये बच्चों क्या करता है, ये मैक्सिमम यानी इसका मिन का उल्टा है। जस्ट अब बताओ, स्ट्रिंग यही ली है हमने, स्ट्रिंग हमारी एस ही है, और अब बताइए अगर मैं मिन की जगह मैक्स लगा दूं, ठीक है, मैंने ये लिखा है मैक्स और फिर मैंने लगा दिया है ब्रैकेट में एस। अब बताइए आउटपुट बताइए क्या आएगा इसका। मैंने एंटर की प्रेस किया, मैक्स लिखा और एस लिखा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, क्या आएगा? यस यस, वाई। वेरी गुड आयुषी, क्योंकि वाई जो है वो सबसे बाद में आएगा अल्फाबेट्स में। ठीक है, मैंने यहाँ स्मॉल नहीं लिया, कैपिटल लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं स्मॉल लूंगी ना तो स्मॉल वाले तो सारे ही क्या होंगे, मैक्स ही होंगे, मतलब कैपिटल वाले से मैक्स होंगे, है ना, कैपिटल वाले से ज्यादा उनका नंबर होगा, इसलिए हम कैपिटल वाले तो उसमें फिर इग्नोर ही हो जाएंगे और वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हम समझ चुके हैं। मिन और मैक्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं और क्या करते हैं, मिन तो अल्फाबेटिकल करेक्टर है, उसकी मिनिमम ASCII वैल्यू वाला करेक्टर को रिटर्न करता है, और मैक्स मैक्सिमम अल्फाबेटिकल करेक्टर को रिटर्न करता है। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर फंक्शन पर, रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया था, शायद कल करवाया था मैंने, उसी एग्जाम्पल को एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप भूल चुके होंगे। आई नो दैट कि आप पक्का भूल चुके हैं। तो रिप्लेस क्या करता है, जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है। अब ये चीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बच्चों नाम पे ध्यान दिया करो, नाम है तो नाम में ही तो सब कुछ रखा है आजकल। तो ये क्या करेगा, ओल्ड, ओल्ड मतलब किस करेक्टर को आपको रिप्लेस करना है, न्यू, ओल्ड कोमा न्यू, मतलब ओल्ड मतलब जिस करेक्टर को आपको रिप्लेस करना है, और न्यू रिप्लेस करके आप जो करेक्टर उसकी जगह पर लाना चाहते हैं वो न्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है कि मैक्स का मतलब, मैक्स ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो वरना तो मत दो। मैक्स जो है पैरामीटर वो ऑप्शनल है। ओल्ड और न्यू तो आपको देने ही पड़ेंगे कि आपको रिप्लेस किसको करना है और किससे रिप्लेस करना है, समझ रहे हो। तो ये दोनों तो कंपल्सरी है, तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैक्स जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो मैक्स जो है वो यूज में ले सकते हैं और नहीं चाहो तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, देखो एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लो। रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड इन स्ट्रिंग विद न्यू और एट मोस्ट मैक्स अकरेंस इफ मैक्स गिवन। यही चीज है कि अगर आपने मैक्स दे दिया है तो जो मैक्स अकरेंस है वहां तक उसको वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और अगर नहीं दिया है तो जितना ओल्ड है उसकी जगह पर वो रिप्लेस कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने इसका पूरा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ये रिप्लेसिंग ए करेक्टर, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ये मैं दोबारा यहाँ पे इसलिए लेके आई कि आपको रिप्लेस फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाए बच्चों। तो रिप्लेस फंक्शन के लिए समझने के लिए देखिए, हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट जो है, उस रीस्टार्ट को मैंने, मेरी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, रीस्टार्ट, यानी मेरी पूरी जो स्ट्रिंग है, इसको एसटीआर मान लो या इसको स्ट्रिंग मान लो, जो भी है मेरे पास ये है। अब इसमें से मुझे ये जो आर है ना, इस आर की जगह पर क्या लेकर के आना है, डॉलर साइन लेके आना है। इस आर को मुझे डॉलर साइन से रिप्लेस करना है। तो अब ये जो फंक्शन काम क्या करेगा, ये प्रोग्राम क्या काम क्या करेगा, ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, करेक्टर इज इक्वल टू str1 of 0, यानी जो str1 of 0 है, यानी जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर कौन सा r है, इस r को हमने क्या कर दिया, इस करेक्टर में ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें r को ही तो रिप्लेस करना है ना यहाँ पर, तो हमने इसको r को ले लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, str1 इज इक्वल टू str1 डॉट रिप्लेस करेक्टर कोमा डॉलर। अब ये देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि ये उसको रिप्लेस करेगा, किससे रिप्लेस करेगा, डॉलर से। तो यहाँ हमने ओल्ड दे दिया, ये हमने ओल्ड दे दिया कि हमने आर को रिप्लेस कराना है, और ये हमारा न्यू आ गया कि हमें डॉलर सिंबल से रिप्लेस कराना है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये क्या करेगा बच्चों कि ये फर्स्ट लेटर को छोड़ करके, क्योंकि आपने यहाँ पे फर्स्ट लेटर ये क्या कर दिया है, 0 से स्टार्ट किया है, तो उस लेटर को ये छोड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो STR1 इज इक्वल टू करेक्टर प्लस STR1, यानी करेक्टर को तो छोड़ ही देगा ये, उसके बाद आगे की स्ट्रिंग को चेक करेगा और उसमें चेक करेगा कि ये कहाँ पर आया है आपका, तो 1 से ये इसको चेक करना चालू करेगा और फिर देखेगा कि क्या रिप्लेस करने के लिए R इसको मिल गया है। जैसे इसको सेकंड R मिल जाएगा ये उसको रिप्लेस कर देगा और जो पूरी स्ट्रिंग है वो फिर से इस STR1 में आ चुकी है रिप्लेस होकर के, और फिर ये क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे STR1 को, यानी STR1 जो है इसका आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। और जो सेकंड R था, सेकंड R जो अपना था, जो कि यहाँ पर था, वो रिप्लेस हो रहा है, और किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, वो डॉलर सिंबल के साथ में रिप्लेस हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये डॉलर सिंबल के साथ में ये अपना जो आ रहा है वो रिप्लेस हो रहा है। तो रिप्लेस में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, आपको इस पूरे प्रोग्राम को समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन भी बनाया है जो अभी आपके अभी है नहीं, आपके नेक्स्ट चैप्टर में फंक्शन आएगा। इसलिए आप इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश मत करो, आप ओनली इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि हमें क्या करना है, जिस स्ट्रिंग का करेक्टर रिप्लेस करना है उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है, डॉट लगा के रिप्लेस लगाना है और ब्रैकेट में ओल्ड करेक्टर देना है और कोमा लगा के न्यू करेक्टर देना है। बस इसका सिंटेक्स आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलें आगे। आदित्य, आयुष, अपेक्षा, ख्याति, चलें बेटा आगे चलें। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। चलिए आपका रिप्लाई आता है तब तक मैं आगे निकाल ही लेती हूँ। नेक्स्ट जो है अपना वो है 19 वाला, जो कि क्या कर रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग मेथड है, काफी इंटरेस्टिंग मेथड है ये। और ये क्या कर रहा है, ये STR ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है, STR डॉट स्वैप केस। स्वैप तो समझते हो ना, स्वैपिंग समझते हो क्या, स्वैपिंग यानी ऐसे, यानी एक की जगह दूसरा, मतलब इन्वर्ट करना, ठीक है, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं। तो जैसा केस, किसकी स्वैपिंग हो रही, केस की स्वैपिंग हो रही है, यानी स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल। एग्जाम्पल देख लिया होगा आपने पहले ही, क्योंकि बच्चे काफी स्मार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, केस को स्वैप कर देगा। रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद अपर केस। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि जो स्ट्रिंग फंक्शन है ये जो अपना आउटपुट देते हैं बच्चों, तो ये कॉपी रिटर्न करते हैं, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एज इट इज रहती है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को ये मॉडिफाई नहीं करते हैं। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। ये छोटे छोटे से क्लू होते हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि कई बार इनसे ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों पूछते हैं वो एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन, ताकि उनको ये पता चले कि बच्चे को सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन से जो आउटपुट आया बच्चे, क्या वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में आ गया है? नहीं, ओरिजिनल स्ट्रिंग अपनी सेफ है, एज इट इज, ठीक है। और जो आउटपुट आ रहा है वो तो वो रिटर्न करके दिखा रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्ट्रिंग में कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग में कुछ भी अपडेशन या चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है आपकी वो जैसी थी वैसी ही है। तो ये क्या कर रहा है कि अपर केस कन्वर्टेड टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, यानी अपर केस को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, यस, एंड लोअर केस को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो अपनी जो स्ट्रिंग है दैट इज हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूज में ली है बच्चों वो क्या है, हेलो वर्ड है, ये हेलो वर्ड अपनी स्ट्रिंग है और इसके आगे मैंने डॉट स्वैप केस लगा दिया। आप चाहो तो हेलो वर्ड को किसी एस या पी या ऐसे किसी वेरिएबल में आप पुट कर दो और फिर उस वेरिएबल के आगे आप डॉट लगा के स्वैप केस लिख सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आ गया है बच्चों, मैंने एच और डब्ल्यू को कैपिटल लिया था, यहाँ पे कैपिटल 2 है, एच और डब्ल्यू, तो इस कैपिटल को इसने कर दिया स्मॉल, और बाकी जो स्मॉल लेटर्स थे एलो और अर्ड, तो इस एलो और अर्ड को इसने क्या कर दिया है, कैपिटल में बना दिया है, ठीक है। वाइस वर्सा, कैपिटल टू लोअर एंड लोअर टू कैपिटल, ओके, ऑल क्लियर। 20 वाले पे आते हैं बच्चों, 20 वाले पे आते हैं जल्दी से। STR डॉट पार्टीशन और सैप सैप हमने इसमें पैरामीटर दिया है, सैप का मतलब है सेपरेटर। ये क्या करेगा बच्चों, ये एक बार इसकी डेफिनेशन समझने से पहले आप इसका एग्जाम्पल ही समझ लो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है जिसमें मैंने डाल दिया है पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया है, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये स्टोर कर दिया है मैंने। अब इसमें मैंने क्या करवा रही हूं, देखना जरा ध्यान से कि मैंने यहाँ पे str.partition और ब्रैकेट में दे दिया इज, ठीक है, ब्रैकेट में ये दे दिया है मैंने इज। यहाँ पे मैं ये कोमा मिसप्रिंट हो गई है बच्चों, तो ये जो सिंगल कोट है, सिंगल कोट को आप मान लेना कि यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लगाया हुआ है। ठीक है, तो str.partition ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और ये जो है, एक मिनट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि इज जो है वो अपना सेपरेटर है, ये पार्टीशन कर देता है स्ट्रिंग के पार्टीशन कर देता है। कहाँ से करेगा, सेपरेटर से करेगा, ठीक है, तो सेपरेटर से करेगा। तो यहाँ पे एक ये मैं कोमा लगा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मिसप्रिंट हो गया था। तो आपको क्या करना है कि इज कहाँ पर आ रहा है, इसमें इज ये रहा, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको, इज ये रहा, और इज से पहले वाला क्या है, पाइथन, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रिंग को 3 टुकड़ों में तोड़ देगा। कौन कौन से 3 टुकड़े, कि जो सेपरेटर हमने लिया है उस सेपरेटर से पहले वाली स्ट्रिंग, एंड सेपरेटर इटसेल्फ, एंड फिर आफ्टर द सेपरेटर, ठीक है। तो 3 टुकड़ों में तोड़ देगा कि बिफोर द सेपरेटर, और बीच वाला टुकड़ा होगा जो सेपरेटर होगा वो खुद, और जो लास्ट वाला टुकड़ा होगा वो होगा आफ्टर द सेपरेटर वाली जो स्ट्रिंग बच जाती है। तो ये 3 टुकड़ों में तोड़ देगा और एक टपल बना देगा ये, ठीक है। तो हमारे सामने आ गया है, इसका जो आउटपुट आएगा, पेन में पता नहीं क्या होगा, अब सही हो चुका है। तो अब जो है ये पार्टीशन करेगा, तो ये 3 पार्टीशन कर दे। देखिए, एक तो ये टपल बन गया, एक ये स्ट्रिंग बन गई अलग से, और एक ये सेपरेटर खुद बन गया, ठीक है, और फिर ये सेपरेटर के बाद वाली स्ट्रिंग, यानी ये 3 हमारे जो है वो टपल बन चुके हैं, ठीक है। 3 जो है बच्चों वो क्या बन चुके हैं, हमारे टपल बन चुके हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। चलते हैं आगे जल्दी से, और एक ये, हाँ, अब आपके सामने, हाँ ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए कि मैडम इसमें प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट से टाइप कीजिए कि ऑल क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट टाइप कीजिए कि ऑल क्लियर, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं जल्दी से अभी समझा देती हूँ। टाइप कीजिए ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर है तो पिछले वाला है आंसर, यस आदित्य शर्मा ऑल क्लियर, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं, क्योंकि टाइम अपना जो थोड़ा सा ही बचा है और हमें क्वेश्चंस लेने हैं थोड़े, तो अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी बच्चों, तो उनमें आपको क्या बताना है, उसका फटाफट आंसर आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग। चले, बाकी बच्चे कहाँ गायब हो गए, आयुषी, अपेक्षा, वेयर आर यू, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशन। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आपके सामने एक प्रोग्राम का कोड दिया हुआ है और आपको इसका आउटपुट बताना है कि ये स्ट्रिंग ऑपरेशन है, स्ट्रिंग जो है अपना फंक्शन, दैट इज काउंट, ठीक है, ये काउंट फंक्शन हमने लगाया, तो आउटपुट क्या आएगा इनमें से। एबीसी आपके सामने ऑप्शंस है, 5 आएगा, 6 आएगा या 7 आएगा। आपको जल्दी से इसको करके और फटाफट रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए बच्चों। थर्टी सेकेंड आपको मिल रहे हैं और 30 सेकेंड के बाद में नहीं किया तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। और वैसे कर दोगे आप, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट बच्चे हो सबके सब। तो रिप्लाई कीजिए। एक आपके सामने कोड है, एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। str1 स्ट्रिंग है अपनी, जिसमें मैंने लिखा है माई इज नेम इज जेम्स इज बॉन्ड, ये अपनी स्ट्रिंग है, ठीक है। और सब स्ट्रिंग मैंने ली है इज, ये मैंने मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया था आपको, तो आपको आना चाहिए। और फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ str1 डॉट काउंट, फिर सब कोमा 4, यानी 4 के बाद से, अब मैं नहीं बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादा बताते तो सब कुछ हो जाएगा ना, फिर आप क्या बताओगे मुझे। जो इंडेक्स मैंने दी है 4, उसके बाद से ये जो इज है ये कितनी बार आ गया है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड। यस आदित्य शर्मा ख्याति, क्या हुआ, जल्दी रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करो, कहाँ गायब हो जाते हो। आदित्य का रिप्लाई आ गया है। आदित्य का ही रिप्लाई आया है, बाकी बच्चे कहाँ गए। खैर आदित्य ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है, वेरी गुड बेटा, इसका आंसर 6 ही आएगा। अब देखना आप सबकी लाइन लगेगी 6 6, अब पता चल गया ना 6 राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर है राइट दैट इज 6 क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब जो स्ट्रिंग है अपनी वो कौन सी है, इज है। और कहां से गिननी है, 4th इंडेक्स के बाद से हमें काउंट करना है। तो इसकी इंडेक्सेस गिनिए बेटा, 0 1 2, स्पेस को भी तो गिनना है, 3 एंड 4, हाँ ठीक है, तो ये 4, तो यहां से चालू करेंगे हम, यहां से गिनना। अब यहां से बची हुई ये स्ट्रिंग आपके सामने बची हुई है, इसमें गिन लो कि इज कितनी बार आया। सो सिंपल, बहुत सिंपल है ना, काउंट करो बेटा। 1 इज तो आपके आ गया, ये 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये 6, तो 6 टाइम यानी 6 टाइम इज रिपीट हुआ है इस स्ट्रिंग में, और 6 ही अपना आंसर आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन है, चलिए बताइए, ये प्रोग्राम का स्निपेट है और आपको इसका आंसर देना है। आंसर ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। एक एसटीआर में मैंने डाल दिया है माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। और मैंने उस एसटीआर पर क्या फंक्शन लगा दिया है, कैपिटलाइज। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ये आएगा कि ये आएगा, एरर आ जाएगी, या ये आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं ये हटा देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम ने यहाँ पे टिक लगाया, इसका मतलब यही सही है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। यस स्पीक अप, जल्दी से बताओ बच्चों, अभी 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। आदित्य शर्मा का रिप्लाई आया है ए। ए का मतलब है माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, जो ऊपर वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए और बच्चे बताइए। कैपिटलाइज कर देगा, कैपिटलाइज फंक्शन क्या काम करता था, सुबह ही पढ़ा है, मॉर्निंग की क्लास में ही पढ़ा है ये। कैपिटलाइज क्या काम करता है। एक और कैपिटलाइज के जैसा था, वो भी कैपिटलाइज कर रहा था। अब मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगी तो आंसर पता चल जाएगा। जल्दी से 5 सेकंड और दे रही हूं मैं आपको, फटाफट टाइप कीजिए। नहीं, कोई नहीं दे पा रहा है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। बेटा आदित्य, यू आर रॉन्ग, ए नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सी। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को, ये सेंटेंस केस में बनाता है, ये सेंटेंस केस में कन्वर्ट करता है। सेंटेंस केस मीन्स सेंटेंस जो है, यानी जो स्ट्रिंग है, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको ये कैपिटल कर देगा, और बाकी जो लेटर है वो एज इट इज रहेंगे बच्चों, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो इसका आंसर जो है ये आया है जेम्स बॉन्ड, और ये जो जेम्स है, ये जेम्स भी यहाँ पे स्मॉल ही आना चाहिए था, जो ये कैपिटल लिखा है ये स्मॉल आएगा, ठीक है। और ये ऐसा कैसा जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड। अब देखो ये जो आपने आंसर दिया है आदित्य, इस आंसर का भी मैं एक बार बताती हूँ कि आपने जो आंसर दिया है ना वो कौन से फंक्शन से आएगा। कैपिटलाइज के जैसा ही फंक्शन है, टाइटल पढ़ा था ना अपने, टाइटल जो फंक्शन है ये टाइटल केस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, TITLE। ये क्या करेगा बच्चों, जो हमने टाइटल केस पढ़ा था ना, ये क्या करता है, ये टाइटल केस में कन्वर्ट करता है। टाइटल केस का मतलब होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो अगर टाइटल होता ना तो ये आपका ए ट्रू आता, ठीक है आदित्य, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशन। अब आपके सामने ये स्ट्रिंग है वेलकम, वेलकम STR में वेलकम लिखा है, और प्रिंट हम करवा रहे हैं ये। तो इसका फटाफट से आउटपुट बता दीजिए, वेलकम क्या आएगा इसमें। सॉरी, ये जो मैंने ऑप्शन लिखे है ना इसमें ये आपका आएगा। इस ऑप्शन को है ना आप ऐसे मान लेना, ठीक है, इस ऑप्शन को आपको क्या मानना है, इसको मानना है पाइथन, PYTHON, ठीक है, ये मानना है आपको, इसको PYTHON मानना है ना, इस सबको, इसको ये जो मैंने पाइनेटिव है ना, इस पाइनेटिव को आप रिप्लेस कर लीजिए अपने माइंड में PYTHON। तो आपको फटाफट आंसर बताना है। 6 इसकी अपर लिमिट है, 6, तो जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करना। स्टार्ट वाली जो है वो मैंने दी नहीं है, स्टार्ट वाली नहीं दी, इट मीन्स वो 0 से स्टार्ट करेगा, यानी W से स्टार्ट होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बताऊं मैं आगे क्या होगा इसमें। इसमें बच्चों ये होगा कि जो वेलकम वाली है, उस वेलकम वाली में ये 0 से लेके 5 तक चलेगा, क्योंकि अपर लिमिट 6 है तो ये 5 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4 5 यानी M तक लेगा ये। तो वेलकम का M ले लिया बच्चों, और फिर उसके बाद में इसने क्या कर दिया, पाइथन को इसमें मर्ज कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ स्पेस भी नहीं दिया हुआ है कहीं भी, तो स्पेस नहीं आएगा, और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वेलकम का एम आ गया और फिर उसके बाद ये पाइथन को मर्ज कर देगा। ये पाइनेटिव की जगह पे ये आपको पाइथन लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन आ जाएगा और एज इट इज मर्ज कर देगा, ई गायब हो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो 6th लेटर है। यस आदित्य शर्मा, बी आ जाएगा इसका, है ना। ई जो है वो 6 में आ जाता है, और 6 ये लेगा नहीं, अपर लिमिट है तो 5 तक लेता है, इसलिए M तक लेगा, उसके बाद पाइथन को मर्ज कर देगा। नंबर 4, विच मेथड शुड आई यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वेलकम टू द ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ पाइथन टू वेलकम टू द ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ पाइथन। यस, तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा लगा मुझे। मेरी जो स्ट्रिंग है वो ये है ना, मेरी जो स्ट्रिंग है वो ये है, और मुझे क्या करना है, मुझे इससे इसको चेंज करना है, इन्वर्ट करना है, इसमें इसको लेके आना है। यानी जो ऊपर वाली में क्या थी बेटा, ऊपर वाली में सारे लेटर स्मॉल केस में है और मुझे नीचे वाली स्ट्रिंग लानी है। यानी मुझे यस आदित्य शर्मा का आंसर आ गया है टाइटल, टाइटल आ गया है, क्योंकि कैपिटलाइज अगर हम करेंगे ना बच्चों, तो कैपिटलाइज क्या करेगा, ओनली डब्ल्यू को, ओनली जो डब्ल्यू है ना, इस डब्ल्यू को कैपिटल कर देगा और फिर बाकी स्ट्रिंग एज इट इज रह जाएगी। जबकि अपने को करना है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसलिए यहाँ पे हम टाइटल केस यूज करेंगे, यानी टाइटल फंक्शन यूज करेंगे जो टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आउटपुट निकालिए बच्चों, ये कोड आपके सामने है और आउटपुट निकालिए, और आंसर भी आपके सामने है और आपको इनमें से एक कोई चूज करना है। तो जल्दी बताइए आदित्य, अपेक्षा, ख्याति, आयुषी, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। दो चीज प्रिंट होगी इसमें, दोनों चीजें प्रिंट होंगी, और एक तो STR1 पे हमने इस डिजिट लगा दिया है, एक STR2 पे हमने इस डिजिट लगा दिया है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या STR1 इस डिजिट है क्या। आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। फिर सेकंड वाला चेक करेगा क्या STR2 इस डिजिट है क्या, अगेन आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। तो आपको यही बताना है कि कौन सा फॉल्स होगा और कौन सा ट्रू होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। इस डिजिट फंक्शन क्या करता है बच्चों, इस डिजिट फंक्शन, जैसा कि नेम इसका हमें सामने आ रहा है कि ये डिजिट को चेक करता है क्या जो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें क्या सारे कैरेक्टर जो हैं वो डिजिट हैं। ठीक है, अब तो मैंने इसकी डेफिनेशन ही बता दी, अब तो आंसर करो। मिलन सैगल, मिलन कंप्लीट कोर्स बेटा आपको मैं ही करवा रही हूं, और कंप्लीट कोर्स की आपकी जो दो क्लासेस आपको मिलेंगी डेली, एक तो 5:30 PM पे और एक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आपको 9 PM पे आपको क्लास मिलेगी जो कि स्पेशल क्लास होगी। तो आप ये दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए और आईपी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और आईपी का जो सिलेबस है वो सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पाइथन है दोनों में और SQL भी है दोनों में। तो मिलन आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5:30 PM पे डेली और 9 PM पे डेली, 5:30 PM पे यूट्यूब पे और 9 PM पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। तो बच्चों इसका आंसर अभी आया नहीं है, किसी ने भी नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, फर्स्ट ए होगा। क्यों होगा ए, क्योंकि हाँ अब आया है आदित्य का, ठीक है ठीक है, ए होगा क्योंकि इस डिजिट क्या करेगा, इस डिजिट क्या फर्स्ट स्ट्रिंग में सारे डिजिट है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, और सेकंड में सारे डिजिट है या 7000 तो ये ट्रू हो गया, तो पहला फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, बस दैट्स इट, इजी है एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं 9 PM पे बच्चों, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मिलेंगे 9 PM पे, 9 to 10 PM पे अपनी स्पेशल क्लासेस होती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम 5:30 पे मिलेंगे, 9:30 पे नहीं मिलेंगे। मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हम 5:30 पे मिलेंगे, और जो टॉपिक हमारा रहेगा, हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, टॉपिक रहेगा लिस्ट, तो हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे 5:30 PM पे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। यूट्यूब के चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल आइकन को आपको हिट करना है। और साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना मत भूलिए, दैट इज CK001। CK001 यूज़ करेंगे तो आपको आपके कोर्स पे 10% ऑफ मिल जाएगा, डायरेक्ट इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% ऑफ, ठीक है, अपने सभी कोर्सेज पे। तो ओके बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दे दिया था, ठीक है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं 9 PM पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।